यार थोड़े से राइस ले लेता हूँ, क्योंकि वैसे भी रोज़े के बाद फौरन भूख नहीं लगती। नमाज पढ़ के सोचेंगे क्या खाना। ठीक है यार, एक काम कर, नमाज पढ़ लेते, उसके बाद अगर भूख लगी तो खा लेंगे। सही है। मैं चावल भर रहा हूँ, तू कुछ ऑर्डर। अबे चावल नहीं, मैं गोश्त के आइटम भर। अगल बुफे ये अपने वो किससे खाएंगे? अबे वो बाद में खा लेंगे ना। ये भर, ये भर। और रान आ गई, और भी फ्राइज भी है। अबे ट्रे उठा लेते हैं पूरी। हाँ फिर भी चावल ले आता हूँ। चल चल। अबे यार ये चाइनीज चाइनीज जैसा नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा। अबे इसमें भी मिर्चा बहुत है यार। यार वेटर ये हटा दो यार, अभी मीठा खाते हैं। आ जा आ जा, मीठा खाते आ जा। जी इसको तोल दें, हमने ज़कात निकालनी है असल में। अच्छा अभी तोलता हूँ। ये टोटल 5,10,000 रुपए का सोना हो गया, इस पे आपकी ज़कात होती है 12,750। ये लीजिए। अरे माशाल्लाह, इस दफ़ा भी रमज़ान से पहले आ गए आप लोग। अरे गरीब है ना, बेच देते हैं फिर। अरे ये सेट तो पिछले साल भी बेचा था आपने। ओ वो हाँ, पैसे आए थे बीच में तो खरीद लिया था, अब बेचना पड़ रहा है। अच्छा सही है, मैं इसका वेट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बता दूँ कितने पैसे हो जाते हैं। इस पैसे पे ज़कात तो नहीं बनती ना, ये तो अभी आया है, एक साल हुआ भी नहीं है। और वैसे भी ये तो डेली यूज़ का पैसा है ना। पर ये होगा आपके पूरी अमाउंट, बड़े नोटें गिन लीजिएगा। जी ठीक है, शुक्रिया। चलें। टाइम कितना रह गया? थोड़ी देर बाकी। खुलेगा, मेरा पेट बोल रहा है, बहुत जोर से भूख लग रही है मुझे तो। हाँ यार मुझे भी रोजा लग रहा है तो। कसम से। भाई तुम लोग पता चला आयशा कल सहरी पे गई हुई थी? हाँ तो इसमें क्या बड़ी बात है? अरे किसी लड़के के साथ है, लेकिन वो तो लड़कों से शर्माती नहीं है। हाँ? मुझे भी ऐसा लगता था, पर वो गाड़ी से हंस हंस के निकल रही थी ना कि बस। कहीं ये लाल बिट वाला तो नहीं था? जब भी मैं बोलूँ आज तक उसने मुझसे बात नहीं करी, उसके साथ बड़ा घूम रही है, वो भी मेकअप शेकअप लगा के फुल चमक चलो बन के मटक मटक करके चल रही थी उसके साथ उस दिन। ए यार जरूर उसके साथ चक्कर चल रहा होगा। अच्छा तभी मैं कहूँ, जब भी मैं उसे रात में कहीं इनवाइट करती हूँ हमेशा बोल देती है नहीं यार मैं तो जल्दी सो जाती हूँ। यार बड़ी छुपी रुस्तम निकली है। सही है। हाँ यार सारी शर्मीली लड़कियाँ ऐसी होती हैं। सही कह रही हो। और मुझे इतना एटीट्यूड दिखाती है, उसके साथ घूम रही है, कुछ बात भी नहीं करती। हेलो सलाम ज़ारा। वालेकुम सलाम भाई, वो मुझे फीस भरनी थी तो आप $200 भिजवा सकते हैं? $200? अच्छा मैं तुम्हें बैंक के थ्रू भेजूंगा तो उस पर तो फीस लग जाएगी काफी ज्यादा। नहीं भाई आप वर्ल्ड रेमिट के थ्रू भिजवाए ना, उनकी ऑनलाइन सर्विस के थ्रू आप दुनिया भर से पाकिस्तान पैसे भिजवा सकते हैं डायरेक्टली मेरे बैंक अकाउंट में। अरे वाह महंगी सर्विस होगी काफी ये तो। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, $200 से ज्यादा पैसे भेजने पर कोई चार्जेस नहीं है, और $200 से कम पैसे भेजने पर पहली 3 ट्रांजैक्शंस फ्री हैं। यार पहले क्यों नहीं बताया सर्विस का, अभी इनकी ऐप डाउनलोड करता हूं मैं। रमजान नहीं भेज देगा। ओ बाय द वे डू यू नो वर्ल्ड रेमिट इज आल्सो डोनेटिंग अ फ्री मील टू ईदी फाउंडेशन ऑन एवरी ट्रांजैक्शन टू पाकिस्तान दिस रमजान। थोड़ा सवाब भी कमा लें इस तरह, रोजे तो आप रखते नहीं होंगे यकीनन। अच्छा ना चलो मैं देखता हूं, और बाय द वे पूरे रोजे जा रहे मेरे, अम्मी को बता देना। सही है ठीक है ओके अल्लाह हाफिज। ओके अल्लाह हाफिज। अरे ज़ारा का फोन आ रहा है। हेलो सलाम ज़ारा, खैरियत? वालेकुम सलाम भाई, वो मुझे फीस भरनी थी तो आप $200 भिजवा सकते हैं? $200? अच्छा अब मैं अगर बैंक के थ्रू भेजूँ तो उस पर तो काफ़ी फीस लग जाएगी, मैंने क्या करें। अच्छा लेट मी डू वन थिंग, मेरा एक दोस्त आ रहा है पाकिस्तान तो मैं उसके हाथ भिजवा देता हूँ, बट वो नेक्स्ट मंथ तक पहुँचेगा।
ओके सही ठीक है, अल्लाह हाफिज़।